वेलकम बैक इन आर नेक्स्ट वीडियो। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे पेज नंबर 25 और उसके आगे, जहां हमने इसको ख़त्म किया कि भी टिकट उससे जो है वो मांगी जा रही थी। और जब उसे टिकट मांगी जा रही थी तो वहां पर उस व्यक्ति ने कहा कि भी बच्चा जो है वो इस लाइन के पास से गुजरा और मैंने उसको देखा है। आगे करते हैं, ममा व्हाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग। तभी वो बच्चा जो है वो अंदर से फिर चिल्लाया कि ममा आप इतना लंबा समय क्यों लगा रहे हो। आई थॉट आई हैड लॉस्ट यू, मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। जाओ ये शाउट्स टू हर, जाओ ये उसकी तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि ममा मुझे लगा कि मैंने खो दिया है तुम्हें। अफेक्सीनेटली, वो भी बहुत स्नेह के साथ में चिल्लाता है, गुस्से के साथ में नहीं। ही रन्स टूवर्ड्स हिज मदर। तभी वो क्या करता है, दौड़ करके अपनी माँ की तरफ आता है। अब सबकी जिज्ञासाएं और बढ़ गई थी क्योंकि वो दौड़ करके माँ की तरफ आ रहा था। और जैसे ही वो दौड़ करके माँ की तरफ आता है तो सबको लगा कि हाँ अब वो उस निशान के पास से गुजरेगा। और जैसे ही वो निशान के पास से गुजरेगा तो क्या होगा, पता लग जाएगा कि इसकी हाइट क्या है। तो ही रन टूवर्ड्स हिज मदर, वो दौड़ करके अपनी माँ की तरफ आता है। एज इफ शी वॉज वन ऑफ हिज फेवरेट टॉय, यूँ लगता है कि जैसे उसकी माँ उसकी एक पसंदीदा क्या हो, खिलौना हो। द क्राउड टिटर्स, तभी जो भीड़ है वो आपस में बातचीत करना शुरू कर देती है। टिटर मतलब आपस में बात करना, बड़बड़ाना, बोलना शुरू। गुड, लोगों ने कहना शुरू किया, हाँ ये बहुत अच्छा है। दे थिंक, उन्होंने सोचा, हियर इज प्रूफ, ये रहा एक प्रूफ, सबूत रहा ये। द होल मैटर कैन बी क्लियर्ड अप एट वंस, कि पूरा का पूरा मामला अभी तुरंत ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि भी कौन सही है और कौन झूठा है। द यूथ इज गेटिंग अ लिटिल नर्वस, वो यूथ जो है वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब, क्योंकि वो तो केवल क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, उसका तो काम यही है। ही इज सर्टेन ही इज राइट, वो पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी है कि वो बिल्कुल सही है। बट दिस वीमन सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट, परंतु ये महिला भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। तो परहैप्स दैट वुड बी ए फूल, शायद ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ए फूल है, काफ़ी भयानक सा होने वाला है। यानी कि दोनों ही ये कह रहे हैं कि भाई हम सही हैं, तो देखते हैं क्या होता है। टाविंग मीन्स काम, टाविंग जो है वो वहाँ पर चुपचाप खड़ी रहती है, क्योंकि उसे तो पूरा विश्वास था कि उसका बेटा जो है वो 110 सेंटीमीटर से कम है। क्योंकि अभी बस के अंदर आया था वो उसके साथ में, और बस के अंदर कंडक्टर ने खुद कहा था कि इट्स हाइट इज़ नॉट मोर देन 110 सेंटीमीटर। सो टाविंग रिमेंस काम, इनफैक्ट शी फील्स अ लिटिल स्मग, वो थोड़ा सा स्मग सा, यानी कि थोड़ा शर्मिंदगी सी उसको महसूस होती है। हर सन लूज लव्स एक्साइटमेंट, हर सन लव्स एक्साइटमेंट, और उसका बेटा जो है वो एक्साइटमेंट को बहुत पसंद करता है। इस प्रकार की उत्तेजना होती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज टर्निंग इनटू समथिंग ऑफ एन इवेंट, सो इट इज बाउंड टू डिलाइट हिम। दिस इज टर्निंग इनटू समथिंग ऑफ एन इवेंट, ये जो चीज़ें हैं वो किसी न किसी एक घटना के रूप में बदलने वाली थी। सो इट इज बाउंड टू डिलाइट हिम, इसलिए ये बाध्य थी उसको खुश करने के लिए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था इन सब चीज़ों को देख करके। कम ओवर हियर, द यूथ कमांड्स, तभी वो युवा व्यक्ति, कौन सा युवा, वो गार्ड, वो आदेश देते हुए से कहता है तुम इधर आओ। द क्राउड होल्ड इट्स ब्रीथ, जो भीड़ है वो क्या करती है, अपनी सांसों को रोक लेती है कि भाई अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। ज़ियाओ लुक्स एट हिज मदर, ज़ियाओ अपनी माँ की तरफ देखता है कि भाई आऊँ कि नहीं आऊँ, बता दे। टाविंग गिव्स हिम अ लिटिल नोड, टाविंग जो है वो क्या करता है, हल्की सी नोड उसको गर्दन हिला करके कह देती है। देखो दो तरह से होता है नोड, ठीक है, गर्दन को हिलाना, एक तो ये होता है और एक ये होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मना करना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, नोड बोलेंगे क्या, जब यूं करता है तो क्या इसको नोड बोला जाता है। नोड मैंने अभी बताया, नोड क्या मतलब क्या होता है, जैसे बोलेंगे नोड, अगर यूज़ कर रहा है कि ही नोड्स हिज नेक, मतलब वो यूं ही करेगा, वो यूं नहीं करेगा, वो यूं करेगा। नोड्स, नोड्स का मतलब यस में होता है। अब नो के अंदर जब गर्दन लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ढूंढो डिक्शनरी में, काम है तुम्हारा ये। तो उसने आदेश दिया तो उसने धीरे से गर्दन ला दी, बोले हाँ बेटा चला जा। He walks over to the guard graciously. वो बहुत ही शान के साथ में, graciously मतलब कि भी गार्ड बुला रहा है, यूँ शान के साथ मन ठन करके गार्ड की तरफ चल पड़ा कि भी हाँ बोल क्या बात है। Cough a little, हल्का सा खांसता है। Adjust his jacket, अपने जैकेट को एडजस्ट करता है in front of the gaze of the crowd. और उसके बाद में वो जो भीड़ की नज़रें हैं, gaze मतलब निगाहें, नज़रें, कि वो भीड़ की जो नज़रें हैं उनके सामने जाकर के वो खड़ा हो जाता है। ज़ियाओ ये इज एवरी इंच द हीरो, कि यहाँ पर ज़ियाओ ये जो है वो हर इंच के ऊपर क्या था, एक हीरो था। क्यों था हीरो,
क्योंकि हर कोई उसी को देख रहा था, सारी बातें ही उसके ऊपर डिपेंड हो रही थी वहाँ पर। एज ही अप्रोचेज द अर्थवर्म, जैसे ही वो कहाँ पहुँचता है, उस अर्थवर्म के पास में पहुँचता है। अर्थवर्म क्या है यहाँ पे? वो निशान। अर्थवर्म क्या है? निशान। वैसे तो अर्थवर्म का मतलब क्या होता है? कीड़ा, ठीक है। धरती के जो कीड़े होते हैं ना, अपने लट आती है ना जिसको बोलते हैं, वो यूं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर वो उस निशान के पास में पहुँचता है। देन द क्राउड लुक्स, उसके बाद में जो भीड़ है वो उसकी तरफ देखती है। एंड शी इज द वर्म कम्स टू ज़ियाओये'स ईयर, और वो क्या देखती है कि वो जो वर्म अर्थात वो निशान जो है वो ज़ियाओये के कहाँ तक आ रहा है? ईयर्स तक, कान तक आ रहा है। सबने देख लिया, अरे बहुत झूठी है ये तो, इतना झूठ बोल रही है। तो वो कान तक आ रहा था उसके। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है? टाइंग इज बाय हिज साइड इन टू पेसेस। अब जो टाइंग है, ठीक है, इज बाय हिज साइड इन टू पेसेस, द फ्लैट ऑफ हर हैंड लैंड्स हैविली ऑन द लिटिल बॉयज हेड, मेकिंग ए साउंड एज क्रिस्प एज ए पिंग पोंग बॉल पोपिंग अंडर फुट। तो उसे लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है। तो वो अब दो उलझनों में फंसी हुई थी, क्योंकि अभी वो दो स्थितियों को देख करके आ रही थी। एक तो बस में उसने देखी, एक यहाँ देखी, बस वाले ने कहा कि कम है, यहाँ उसको बता रहे थे कि ज़्यादा है। तो अब वो दो अजीब सी स्थितियों में फंसी हुई थी, इसलिए उसको जो है वो थोड़ा सा वो जल्दबाजी में थी। तो द फ्लैट ऑफ हर हैंड लैंड्स हैविली ऑन द लिटिल बॉयज हेड, तभी अचानक ही द फ्लैट ऑफ हिज हैंड, ये हाथ जो है वो सीधा बच्चे के सर के ऊपर जा करके पड़ा। उसने सीधा बच्चे के सर के ऊपर हाथ मारा, मेकिंग ए साउंड, और जिसकी वजह से क्या वो आवाज़ आएगी। अब जैसे मान लो मैं आपके जोर से सर पे हाथ मारता हूँ तो क्या एक आवाज़ तो आएगी, क्रिस्प किया जैसे टप एकदम से, इस तरह से आवाज़ आएगी, थम की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो एक आवाज़ आई जैसे कि एक पिंग पोंग बॉल पॉपिंग अंडर फुट, जैसे कि क्या होता है, एक पिंग पोंग बॉल होती है, यानी छोटी सी प्लास्टिक की टाइप की बॉल आती है ना, पिंग पोंग बोलते हैं उसको, या जैसे टेबल टेनिस की बॉल आती है ना वाइट कलर की छोटी सी, उसको पिंग पोंग कहते हैं। तो वो बॉल जैसे पाँव के नीचे दब गई हो, क्रश हो गई हो, जाओ ये स्टार्ट्स एट स्टेयर्स एट हिज मदर, और जैसे ही माँ ने क्या किया, यूँ हाथ मारा जोर से। अब माँ का उद्देश्य तो क्या था कि भाई कहीं अपने पंजों के बल ऊंचा तो नहीं खड़ा हुआ, कहीं इसके बाल जो है वो तो ऊपर नहीं जा रहे। तो उसने ज़ोर से हाथ मारा, हाथ मारते यार एक तो बाल से नीचे हो जाएंगे, दूसरा अगर वो पंजों के बल ऊपर उठ करके यूँ सीधा तन के खड़ा है तो वो नीचे हो जाएगा, इस तरह से उसका भी तो कोई फर्क पड़ता है। तो उसने उस तरह से नीचे किया इसको। तो परंतु ज़ियाओये जो है उसने तो क्या किया, घूर करके अपनी माँ को तरफ देखा। वाह ये क्या किया तूने, ही इज़ नॉट क्राइंग, वो रो नहीं रहा है, ही इज़ शॉक्ड बाय द पेन, परंतु वो सदमे की वजह से, दर्द की वजह से वो काफ़ी सदमे में है। ही हैज़ नेवर बीन हिट बिफोर, क्योंकि इससे पहले इस तरह से उसे कभी मारा नहीं गया था। तभी जो भीड़ है वहाँ पे क्या हुआ, द क्राउड ड्रॉज इट्स ब्रीथ, जो भीड़ है उसने एकदम से सांस रोक ली, बोले ये क्या हुआ। फिर आपस में बात करने लगे वो, पनिशिंग ए चाइल्ड इज़ वन थिंग, हिटिंग हिम ऑन द हेड इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि चलो बच्चे को दंड देना एक अलग चीज़ है, परंतु बच्चे के सर के ऊपर इस तरह से मारना ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है, ये कैसा हो रहा है, इसने कैसे कर दिया। व्हाट ए वे फॉर ए मदर टू बिहेव, कि किस प्रकार की माँ है जो व्यवहार कर रही है। सो व्हाट इफ़ यू हैव टू बाय अनदर टिकट, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर तुम एक टिकट और खरीद लोगी तो। दिस इज़ अ डिसग्रेस, ये तो एक बहुत ही अपमानित वाली बात है, हिटिंग ए चाइल्ड टू कवर अप योर ओन मिस्टेक, एक बच्चे के सर के ऊपर मारना, वो भी क्या करने के लिए, अपनी गलती को ढकने के लिए, उसे छुपाने के लिए। शी कांट बी हिज नेचुरल मदर, तो किसी ने और ने तो कह ही दिया कि नहीं नहीं ये तो इसकी वास्तविक माँ हो ही नहीं सकती, ये इसकी सगी माँ नहीं है। एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन, हर किसी का अपना एक राय था और हर कोई वहाँ पर अपनी अपनी एक राय दे रहा था, सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे कि भाई ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। टाइंग इज फीलिंग अ लिटिल एजिटेटेड नाउ, अब इतनी देर जो टाइंग क्या थी, थोड़ा शांत थी, अब वो धीरे धीरे एजिटेटेड होने लगी। एजिटेटेड मतलब उद्वेलित सी, गुस्सा आने लगा उसे, अब वो धीरे धीरे खीज उसमें आने लग गई थी। सी हैड नॉट मीन्ट टू हिट ज़ियाओये, उसका मतलब ज़ियाओये के ऊपर मारना नहीं था, उसको चोट पहुंचाना नहीं था। सी मीन्स टू बी टू स्मूथ डाउन हिज हेयर, उसका उद्देश्य क्या था कि उसके बालों को स्मूथ करना। बट सी realizes that even if ज़ियाओये were bald at his instant, यहाँ पर परंतु उसके बाद में वो महसूस करती है कि ज़ियाओये जो है वो खुद क्या था, were bald, bald का मतलब ऐसे तो गंजा होता है, ठीक है, at this instant, यानी कि इस क्षण वो भी उसके क्या था, against ही था। he would still be towering above the worm on the wall, और वो अभी भी क्या था, towering above, यानी कि वो ऊंचा था किससे,
उस लाइन से, वो अभी भी ऊंचा नज़र आ रहा था, तो उसे काफ़ी समझ में नहीं आ रहा था, वो थोड़ा गुस्सा सा उसे आने लगा। जियाविए, डोंट स्टैंड ऑन टिप टॉप। अब माँ ने कहा उसको, जियाविए अपने टिप टॉप के ऊपर खड़े मत हो। टिप टॉप क्या होता है? टिप टॉप पंजा, एडी नहीं, पंजा, ठीक है, पंजे के बल खड़े हो जाते हैं ना। तो उसने कहा कि अपने पंजे के बल मत खड़े हो। टाइंग्स वॉइस इज शिव। अब टाउइंग की आवाज़ जो है वो क्या थी? गंभीर थी। ममा आई एम नॉट, जियाविए बिगन्स टू क्राई। जियाविए ने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा ममा नहीं खड़ा हूँ मैं, और फिर रोने लग गया, क्योंकि एक तो मार दिया और उसके बाद वापस से मुझे धमका रही हो। इट्स ट्रू, ही इज़ नॉट, ये बिल्कुल सही है, वो इस तरह से नहीं खड़ा है। द वर्म क्रॉल्स इन समवेयर नेक्स्ट टू हिज ब्रो। अब जो वर्म है वो अब उसकी भौहें के नज़दीक जो है वो वहाँ तक वो अब आने लग गई थी। द गार्ड स्ट्रेचिज हिमसेल्फ लेजीली। उसके बाद में जो गार्ड है वहाँ पे वो अपने आप को लेजीली यानी कि आलसी के रूप में यूँ स्ट्रेच करता है, यूँ फैलाता है कि देखो मैं तो अब क्या हूँ, बिल्कुल सही हूँ, ठीक है। तो वो स्ट्रेच करता है अपने आप को थोड़ा सा यूँ। स्ट्रेचेस का मतलब होता है खींच लेना, तान देना, ठीक है। तो वो अपने आप को तान लेता है यूँ थोड़ा सा कि भाई देखो मैं बिल्कुल सही हूँ, ठीक है। आलसीपन के रूप में हिज विज़न इज शार्प। उसकी जो है अब लोगों के सामने वो ये दिखाता है कि मेरी जो विज़न है, मेरी जो दृष्टि है वो देखो कितनी शार्प है, यानी कि कितनी तेज़ है। मैं देख लेता हूँ, एक बच्चा जो गुजरा है उसको मैंने देख लिया कि हाँ ये ऊँचा है, नीचा है, क्या है। ही हैज़ कॉट क्वाइट ए फ्यू पीपल, कि उसने कुछ ऐसे लोगों को पहले भी पकड़ा है, हु हैड ट्राई टू गेट थ्रू विदाउट पेइंग, जो अंदर बिना पैसे के जो है वो घुसने का प्रयास कर रहे थे। गो गेट ए टिकट, ही स्कास्म एट टॉइंग। वो एकदम से स्क्रीम्स, सॉरी स्कास्म नहीं, स्क्रीम्स, वो चिल्ला करके कहता है गो गेट ए टिकट, जाओ टिकट लेकर के आओ। ऑल प्रिटेंस ऑफ कर्टसी हैज बाय नाउ बीन ईटन अप बाय द वर्म। इससे पहले जो भी दिखावा था, प्रिटेंस का मतलब दिखावा करना, कि जो भी दिखावा था किस चीज़ का, कर्टसी, कर्टसी मतलब दया, इससे पहले जो भी दया का दिखावा वो कर रहा था उसके प्रति सम्मान कह सकते हैं, कर्टसी मतलब सम्मान, कि वो सम्मान का जो दिखावा, सम्मान लिख लीजिए इसको, कर्टसी को, कि जो सम्मान का दिखावा कर रहा था इससे पहले, क्योंकि वो तो गार्ड था आखिरकार, उसको सम्मान करना था, तो वो सम्मान करने का जो दिखावा कर रहा था, अब वो सब क्या हो गया था, उसको खा लिया गया था, किसके द्वारा, उस निशान के द्वारा, यानी कि वो सारा का सारा सम्मान अब गार्ड के अंदर ख़त्म हो गया। अब वो सीधा चिल्ला करके बोलने लगा, क्योंकि उसे लगा कि हाँ अब ये गलत थी, मेरे साथ गलत बहस कर रही थी, मैं सही हूँ। बट माई सन इज़ लेस देन 1 meter 10। फिर उसने कहा परंतु मेरा बेटा तो 1 meter 10 से नीचे है, अर्थात 110 centimeter से नीचे है। टाइंग इंसिस्ट इवन थिंग थॉट दो सी रियलाइजेज सी स्टैंड्स अलोन। हालांकि वो फिर जोर देती है, इंसिस्ट करती है, दबाव देती है, जोर देती है, फिर परंतु उसके बावजूद भी वो जानती है, वो महसूस करती है सी स्टैंड्स अलोन, कि वो वहाँ पर अकेली खड़ी है, उसके साथ कोई भी नहीं है। एवरी वन हु ट्राइज टू एस्केप पेइंग ऑलवेज सेज द सेम थिंग। हर कोई जो क्या करता है, बचने का प्रयास करता है। अब कहते हैं ना कि जो भी चोर होता है तो वो अपने आप को चोर नहीं कहता। तो इसने कहा कि एवरी वन हर कोई जो क्या है, एस्केप, एस्केप मतलब बचकर निकलना, कि जो हर कोई बचकर निकलने का प्रयास करता है, पेइंग ऑलवेज सेज द सेम थिंग, वो हमेशा यही बात कहता है कि नहीं मैं सही नहीं, मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। डू यू थिंक दिस पीपल आर गोइंग टू बिलीव यू, क्या तुम सोचती हो कि ये लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं वो तुम पर विश्वास करेंगे, सबने देखा है, और आर दे गोइंग टू बिलीव मी, या फिर वो मुझ पर विश्वास करेंगे, मुझ पर ही तो करेंगे क्योंकि मैं सही हूँ। दिस इज़ अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेजरमेंट। उसने कहा कि ये जो मेजरमेंट यहाँ पर है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी कि हर किसी के द्वारा इसको स्वीकार किया गया है। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूलर इज़ इन फ्रांस पेरिस, सॉरी। उसने कहा कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो रूलर है, यानी कि नापने का जो फीता है, ठीक है, वो चाहे उसका जो मापदंड हो, चाहे वो पेरिस के अंदर हो, कहीं पर भी बना हो, वो उसी के अनुसार ये है, मेड ऑफ प्योर प्लेटिनम, जो कि शुद्ध प्लेटिनम से बना हुआ है, ये उसी के बराबर है। डिड यू नो दैट, क्या तुम जानती हो सब चीज़ों के बारे में। टाउ इज फ्लमक्स्ड। अब टाउ जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी। ऑल सी न्यूज इज़ दैट टू मेक ए ड्रेस सी नीड्स 2 meters 80 centimeter, क्योंकि उसे पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। वो तो केवल इतना जानती है कि अगर उसे एक पोशाक बनानी है तो उसके लिए 2 meter and 8 centimeter की आवश्यकता है बस, यानी कि 208 centimeter।
शी डज नॉट नो वेयर द इंटरनेशनल रूलर इज कैप्ट, वो नहीं जानती कि जो इंटरनेशनल रूलर है उसको कहाँ पर रखा जाता है। सी इज ओनली एस्टोनिश एट द पावर ऑफ द बुद्धा, वो तो बस केवल एक बात को लेकर के आश्चर्यचकित थी कि महात्मा बुद्ध में इतनी ताकत है विच कैन मेक हर सन ग्रो सेवरल सेंटीमीटर्स विदाउट विद इन मिनट्स, कि जिसने कुछ ही मिनट के अंदर उसके बच्चे को क्या है सेवरल सेंटीमीटर बड़ा बना दिया है, क्योंकि बस के अंदर वो छोटा था और यहाँ आकर के वो बड़ा हो गया, तो कुछ ही मिनट में इतना सेंटीमीटर बढ़ गया। बस इसी बात को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा अचंभित सी थी। बट वी वर ऑन द बस जस्ट नाउ एंड ही वॉज नॉट एज टॉल, अब वो फिर कहने का प्रयास करती है, परंतु हम अभी बस में थे, अभी थोड़ी देर पहले हम बस में थे, एंड ही वॉज नॉट एज टॉल, वो अब इतना बड़ा नहीं था, परंतु उसकी बात को किसी ने भी नहीं सुना। तो आज यहाँ निशान लगा लीजिए, आज यहीं तक करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में।